हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रज्वल पाठक और आप इस समय मेरा यूट्यूब चैनल पाई गुरु देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में बात की थी मेजर थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज के बारे में, जिनको आप आगे चलकर सीख सकते हो, ओके, बेसिक सीखने के बाद। ओके, एंड इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन सॉफ्टवेयर्स का जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं फर्दर पाइथन सीखने के लिए। ओके, देखिए, अभी तक अगर आप आइडियली या कमांड लाइन या फिर सबलाइम टेक्स्ट 3 को यूज़ कर रहे हैं तो आपने पाया होगा कि आप लगभग नॉर्मल चीज़ें कर सकते हैं, बट एडवांस चीज़ें सीखने के लिए आपको अलग से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्हीं सॉफ्टवेयर के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं या बात करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं IDE वर्सेस कोड एडिटर क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे IDE क्या होता है। यहाँ ध्यान रखिए कि IDE और IDLE दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। IDE मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओके, IDLE मतलब ये पाइथन का एक सॉफ्टवेयर है जो पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट या आप कह सकते हैं पाइथन की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोवाइड करती होगी। आइडियली भी एक टाइप का IDE ही है। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि IDE एक बड़ा टर्म है, आइडियली उसी का एक सॉफ्टवेयर है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं IDE क्या होता है। तो IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जनरली ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कई सारे फीचर्स होते हैं। आप इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ओके, बग्स फाइंड डिबग कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। जनरली अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में पता है, यानी SDLC के बारे में पता है, तो आपको पता होगा कि उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे प्रोग्राम लिखना होता है, उसको एडिट करना होता है, लाइब्रेरीज मैनेज करना होता है, कंपाइल करना होता है, टेस्ट करना होता है, ओके, डीबग करना होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सबको आप एक साथ अगर आप IDE यूज़ करते हैं तो एक ही सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते होंगे। अदरवाइज आप जैसे नॉर्मल कोई सपोज़ ये नोटपैड करते हैं तो वहाँ नोटपैड यूज़ कर रहे हैं अगर आप पाइथन लिखने के लिए, तो आपको वहाँ सारी चीज़ें खुद से लिखनी पड़ेंगी। बट IDE एक सॉफ्टवेयर होता है जो ये सारी चीज़ें आपको ईजिली हेल्पफुली प्रोवाइड कर देता है। ओके, जनरली IDE का काम ये होता है कि ये कुछ काम ऑटोमेटेड कर देता है, अपने आप ही कर देता है, तो आपको एज ए डेवलपर रिस्क या टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। ओके, जनरली कई सारे फ्रेमवर्क्स को सपोर्ट भी करता है, तो आप इजीली कोई भी काम कर सकते हैं। एंड देन इससे ओवरऑल ये फ़ायदा होता है कि आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यानी सॉफ्टवेयर बनाने में आपको समय कम लगता है एंड आप ईजिली बना सकते हैं, ओके, बिना किसी ज़्यादा बग से। ओके, तो ये हो गया IDE। ओके, IDE के एग्जांपल्स हम अभी नीचे देखेंगे, बेस्ट IDEs के बारे में बात करेंगे। ओके, देन इसके कॉन्टेक्स्ट में कई सारे डेवलपर्स होते हैं जो कोड एडिटर्स को यूज़ करते हैं। ओके, अगर आप बड़े मतलब सॉफ्टवेयर्स के बाद डेवलपर्स के वो अगर फॉलो करते हैं ट्विटर या इंस्टाग्राम पर कहीं पर भी, तो आप पाएंगे कि वो कोड एडिटर्स यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कोड एडिटर हम लोग अभी यूज़ करते आ रहे हैं अपने पूरे pyBasics सीरीज़ में। अगर आपने देखा हो तो सबलाइम टेक्स्ट 3 ये एक कोड एडिटर है, इसको हम लोग शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं। एंड IDLE एक IDE है, उसको हमने शुरू के 9 या 10 वीडियोज़ में यूज़ किया था। ओके, तो हम लोग नियरली दोनों चीज़ों को टेस्ट कर चुके हैं। तो कोड एडिटर्स क्या होते हैं, जनरली कोड एडिटर्स क्या होते हैं, ये एक टाइप का नोट एडिटर होता है, नोटपैड की तरह होते हैं। इसमें हम सिर्फ अपना कोड लिख सकते हैं, ओके, रन कर सकते हैं, बट डिबग नहीं कर सकते, कई सारी चीज़ें और नहीं कर सकते। सपोज़ कि आपको फ्रेमवर्क्स मैनेज करना है तो आप वो नहीं कर सकते, लाइब्रेरी नहीं मैनेज कर सकते, ओके, वर्चुअल एनवायरनमेंट्स मैनेज नहीं कर सकते। ये सब क्या चीज़ें हैं ये हम आगे एडवांस वीडियोज में बात करेंगे, बट जनरली इतना समझिए कोड डिटेल्स में आप सिर्फ अपना कोड लिख सकते हैं। ओके, इसमें खास फीचर्स कुछ ये होते हैं कि ये सिंटेक्स हाईलाइटिंग प्रोवाइड करते हैं आपके कोड एडिटर्स। देन अब कोड एडिटर्स प्लगइन्स के साथ भी आते हैं जो एडवांस चीज़ों को भी सपोर्ट करते हैं। ओके, कोड एडिटर्स का एक फ़ायदा ये होता है कि ये IDE कंपैरिजन में छोटे होते हैं और फास्ट होते हैं। ओके, जनरली अगर आप IDE यूज़ कर रहे हैं तो इनको ये जनरली 500 MB के आसपास तो डाउनलोड होते वक्त समय होंगे, एंड देन एक्सपेंड होने के बाद ये 4 से 5 GB तक पहुँच जाते हैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम आती है कि ये काफ़ी हैवी होते हैं, आपका काफ़ी ज़्यादा रैम यूज़ करते होंगे। तो अगर आप अभी बिगनर हैं तो आप जनरली IDE को ना यूज़ कीजिए, इससे आपका समय बचेगा। ओके, कोड एडिटर्स वहाँ प्रेफर किए जाते हैं। तो आजकल जो कोड एडिटर्स अवेलेबल हैं हमारे पास वो भी काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। ओके, अभी हम बात करते हैं बेस्ट IDEs वर्सेस बेस्ट कोड एडिटर्स के बारे में। ओके, तो बेस्ट IDEs फॉर पाइथन, अभी तक जो मैंने बेस्ट पाए हैं उसमें सबसे पहला सॉफ्टवेयर है पाइचार्म। ओके, पाइचार्म जनरली पूरा एक पाइथन के लिए कंप्लीट सॉफ्टवेयर टूल है, आप इसे ज़रूर यूज़ करें। बट एक प्रॉब्लम आपको ये आएगी, ये हैवी है। ओके, तो थोड़ा स्लो स्टार्टअप टाइम है रन करने में इन सब चीज़ों में है। तो अगर आपका सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स नहीं सही हैं तो
ये हैंग भी कर सकता है आपके सिस्टम पे। ओके, तो ये प्रॉब्लम आती है, बट काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप इसे ज़रूर यूज़ करें। एंड देन कुछ और आइडियाज़ हैं, स्पाइडर, पाइडेव एंड आइडियली। ओके, आइडियली का यूज़ हमने शुरू में किया था, ये पाइथन द्वारा ऑलरेडी मिलता है हमें। एंड तो ये थे बेस्ट आइडियाज़ जो आपको यूज़ करने चाहिए। ओके, देन बेस्ट कोड एडिटर्स फॉर पाइथन। बेस्ट कोड एडिटर्स में हमारे पास सबसे बढ़िया जो अभी तक मुझे कोड एडिटर लगा है वो सबलाइम टेक्स्ट 3 ही है अपना। ओके, काफ़ी सिंपली ये ओपन हो जाता है। ओके, देन बाकी जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं वो एटम कोड एडिटर, वेम कोड एडिटर या विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है। ओके, तो आप इन सबको भी ट्राई कर सकते हैं। एंड देखिए, इन आईडीज और बेस्ट कोड एडिटर्स ये आपके पर्सनल प्रेफरेंस या पर्सनल चॉइस हो, आपको जो अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हैं। जैसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के बताए जाने पर ही यूज़ करें। ओके, तो आपको जो सही लगे वो यूज़ करें। पाईचार में दिक्कत क्या, आप ये दो वर्जन में अवेलेबल है, एक कम्युनिटी एडिशन, ओके, एक डेवलपर एडिशन। डेवलपर एडिशन पेड होता है, कम्युनिटी एडिशन फ्री है। ओके, तो आप चाहें तो कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल करके ट्राई भी कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली सबलाइम टेक्स 3 जो है ये भी दो वर्जन्स में अवेलेबल है, एक एक में पेड करना हो, पेड करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, एक अनपेड है जिसमें यहाँ पर टॉप में अनरजिस्टर्ड लिखा होता है। एंड समटाइम्स इसमें सिंपली आपको पेमेंट के लिए कुछ डायलॉग बॉक्सेज आते रहते हैं, तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। ओके, एंड देन आप इसमें जो भी चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। देन अगर आप डेटा साइंस सीखना चाहते हैं तो इसके लिए जो बेस्ट सॉफ्टवेयर आपके लिए होगा वो है एनाकोंडा। ओके, एनाकोंडा एक बड़ा सॉफ्टवेयर है जिसमें 1500 से ज़्यादा लाइब्रेरीज पहले से इंस्टॉल होती हैं, तो आपको उन्हें पिप इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, ये एक फ़ायदा है एनाकोंडा के साथ। और इसमें एक खास बात यह है कि ये जुपिटर नोटबुक्स को सपोर्ट करता है। एंड देन स्पाइडर आईडीई इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होता है। तो एक स्पाइडर आईडीई एंड जुपिटर नोटबुक्स इसमें पहले से ही अवेलेबल होते हैं, तो आपको इनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप चाहें तो एनाकोंडा को यूज़ कर सकते हैं। एनाकोंडा यहाँ पर मेरे पास देखिए सिस्टम पे पड़ा हुआ है, मैं इसको जनरली यूज़ भी करता हूँ। ओके, तो ये थे कुछ सॉफ्टवेयर जिनको आपको सीखना चाहिए अगर आप एडवांस डेवलपमेंट करना चाहते हैं पाइथन से रिलेटेड। ओके, तो होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।